गोविंदगढ़ क्षेत्र में रसद विभाग ने दूध डेयरियों पर कार्यवाही करते हुए दुग्ध डेयरियों से 200 लीटर मिलावटी दूध और 15 किलो गुलाब जामुन सहित 15 किलो रसगुल्लों को नष्ट करवाया। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के साथ उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ हेमराज गुर्जर व थाना अधिकारी गोविंदगढ़ सुरेश सिंह पहाड़िया में जाब्ते के मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसम दीन ने बताया कि गोविंदगढ़ कस्बे में मिलावटी दूध बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिस पर CMHO अलवर व SDM के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम बलराज डेयरी पर पहुंची और वहां दूध के सैंपल लिए। जांच करने पर बलराज डेयरी के पास लाइसेंस भी नहीं मिला, जिसे वहां कार्यवाही करते हुए बंद करा दिया गया। इसके अलावा उनके पास करीब 150 लीटर खराब दूध भी मिला, जिसे नष्ट करवाया गया। वहीं मौके पर एक दूध विक्रेता खेड़ा महमूद निवासी रफीक खान ट्रैक्टर ट्रॉली में दूध की कैन रखकर मौजूद मिला, जिसके बाद मौके पर सैंपल लिए गए। सैंपल में लिए गए दूध को जांच के लिए भी भेजा गया और वहीं उसका 50 लीटर दूध नष्ट भी करवा दिया गया। इसके बाद टीम बनारसी डेयरी पर पहुंची, जहां दूध के सैंपल लिए। विभाग की टीम सोनलाल मिल्क के सप्लायर के यहां भी पहुंची, जहां टीम ने उन्हें साफ सफाई बरतने के निर्देश दिए और मौके पर 15 किलो खराब गुलाब जामुन और 15 किलो रसगुल्ले उन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया और पनीर के सैंपल लिए गए। इस कार्यवाही में उपखंड अधिकारी गोविंदगढ़ हेमराज गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आसम दीन खान, थाना अधिकारी गोविंदगढ़ सुरेश सिंह पहाड़िया, राजेश सैनी, लैब टेक्नीशियन मौजूद रहे। जहां गोविंदगढ़ कस्बे में मिलावटे की कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसके तहत CMO साहब के निर्देश अनुसार हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथियों के साथ में मैं यहाँ पर पहुँचा और यहाँ के अपने SHO साहब उनको साथ में लिया। SDM साहब का भी निर्देश था, जिसके तहत हम सर्वप्रथम यहाँ पर बलराज डेयरी उसके वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच करके हमने जो दूध मौजूद था उसमें से दूध का सैंपल लिया। और इसके अलावा एक वहाँ पर दूध विक्रेता और भी था, इसका ट्रैक्टर में 8-10 कैनों में दूध रखा हुआ था, जिसमें दूध का हमने सैंपल लिया, जिनको FSS एक्ट के तहत नमूनीकरण किया गया था। इन्हें प्रयोगशाला में जाँच के लिए भिजवाया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर FSS के एक्ट के तहत की जाएगी। इसी प्रकार दूसरी डेयरी जो बनारसी है, जो स्पर्श डेयरी के नाम जिसके पास लाइसेंस था, उसके यहाँ पे हमने दूध का सैंपल लिया और वहाँ से सैंपल ले करके वो बलराज डेयरी जिसके पास मौके पर लाइसेंस नहीं मिला, अतः उसको मौके पर हमने बंद करवा दिया गया, तुरंत प्रभाव से उसको बंद करवा दिया। एवं इसके अलावा उनके यहाँ पर करीब 150 लीटर के आसपास जो खराब दूध था, जिसको प्रथम दृष्टया जांच करवाया गया, वो खराब था, जिसको मौके पर नष्ट करवाया। और एवं वो दूध विक्रेता है जिसका करीब 50 लीटर दूध खराब प्रथम दृष्टया लगा, उसको मौके पर नष्ट करवा दिया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर चौथा पॉइंट जो कि एक सोनलाल मिल्क सप्लायर से, इसके यहाँ से पनीर का सैंपल लिया है और साफ सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इनके यहाँ पर करीब 15 kg गुलाब जामुन और 15 kg रसगुल्ले जो खराब हमें नज़र आए, जिनमें स्टार्च की मात्रा मौके पर जांच में पाई गई है, उन्हें मौके पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम में मैं आसम दीन खास सुरक्षा अधिकारी, श्री राजेश सैनी जी, लैब टेक्नीशियन, वाहन चालक ठाकुर।